पिछले 8 दिन से हम लोग डेली वीडियोस कर रहे हैं एंड दैट इज़ डेफिनेटली अ बिग अचीवमेंट फॉर मी. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इफ इन केस यू हैव एनीथिंग टू मेंशन अबाउट दैट, या फिर अगर आने वाले फ्यूचर वीडियोस के लिए आपके पास में आइडियाज हैं तो. हेलो एवरीवन, मैं हूं किलोरमो सोशल से और स्वागत है आपका एक और इंस्टाग्राम रिलेटेड वीडियोस के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था. कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बोला कि आप काफ़ी टाइम से इंस्टाग्राम वाले वीडियोज नहीं कर रहे हैं, तो हियर इट इज. यहाँ पे मैं आपको 6 या 7 नए इंस्टाग्राम के अपडेट या फिर जो नए चेंजेस हुए हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ. कुछ ऑलरेडी हो गए हैं, कुछ इन दी प्रोसेस हैं, तो मेक श्योर कि आप जाके एक बार चेक कर लीजिए मेरे ये बताने के बाद में. अगर कुछ चीज़ें अंडर टेस्टिंग है तो वो आपको अवेलेबल नहीं होगी, तो जस्ट वेट फॉर इट एंड यू विल एक्चुअली गेट ऑल दीज फीचर्स या अपडेट्स जो भी मैं आपको बताता हूँ. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो कर लीजिए, अखिल खत्री मेरा हैंडल है. चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो को लाइक नहीं करा है तो कर लीजिए. नहीं पसंद आता है पूरा देखने के बाद में तो डिसलाइक कर देना. टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट फीचर विच इज एक्चुअली अ ह्यूज 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 अपडेट फॉर ऑल द क्रिएटर्स हु आर एक्चुअली स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इंस्टाग्राम, जो कि है रिलेटेड टू इंस्टाग्राम बींग एसोसिएटेड विद गूगल एडसेंस. अब यहाँ पे क्या होने वाला है, इंस्टाग्राम में जिन जिन लोगों के 10,000 या 10,000 के ऊपर फॉलोअर्स हैं, मैं आपको अभी दोबारा से बताता हूं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 10K. तो जिनके भी 10K के ऊपर फॉलोअर्स हैं वो एलिजिबल होंगे एडसेंस के ऊपर अपने इंस्टाग्राम को लिंक करने के लिए. तो आपके पास में सेटिंग में एक ऑप्शन आएगा बहुत जल्दी, क्योंकि अभी ये अंडर टेस्टिंग है तो अभी किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं हुआ है, बट दिस इज एक्चुअली अ कंफर्म न्यूज. तो उसके बाद में आपको क्या करना होगा, आप सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद में गूगल एडसेंस से लिंक करेंगे और आपके जो इंस्टाग्राम पोस्ट हैं तो जो भी आपके जो फॉलोअर्स वो आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट देखेंगे उसके जस्ट नीचे एक छोटा सा ऐड नजर आएगा, वो होगा गूगल एडसेंस एनेबल्ड. तो मतलब कहीं ना कहीं एड्स एकदम छोटे रहेंगे, मतलब डिस्टर्बिंग नहीं रहेंगे, पर यू विल एक्चुअली बी एबल टू मेक मनी. तो जितने फॉलोअर्स आपके ज्यादा रहेंगे, जो एक्टिव रहेंगे, जो एंगेज्ड रहेंगे, उतना ही ज्यादा पैसा आप कमा पाएंगे. दैट इज अ ह्यूज ह्यूज अपडेट और मैं डेफिनेटली आज से और ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाला हूं इंस्टाग्राम पे, क्योंकि आई डेफिनेटली वुड वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस अमेजिंग अपडेट व्हिच इज कमिंग वेरी सून. दूसरा फीचर जो कि है इंस्टाग्राम वीडियो कॉल रिलेटेड. अब इंस्टाग्राम वीडियो कॉल तो पहले भी थे, आप लोग ये बोलोगे, पर यहाँ पे जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है, तो पहले यहाँ राइट हैंड साइड में आपके पास में एक फोटो का आइकन होता था. अगर आप किसी को स्टोरी भेजना चाहते थे तो आपके पास में एक फोटो का ऑप्शन ओपन होता था, वो आप रिकॉर्ड करते थे, भेजते थे, पर आप डायरेक्टली हर एक यूजर के सामने बाहर ही बिना उसके प्रोफाइल को ओपन करें यू विल एक्चुअली बी एबल टू वीडियो कॉल देम. तो जिस तरीके से फंक्शन करेगा वो सिमिलर होगा. अगर आप लोग दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं तो आप डायरेक्टली वीडियो कॉल एक दूसरे की जो नोटिफिकेशन है वो आप पा पाएंगे, पर अगर आप उनको फॉलो करते हैं वो आपको नहीं फॉलो करते हैं तो उनको जो ये वीडियो कॉल की रिक्वेस्ट है ये हो जाएगी मैसेज रिक्वेस्ट वाले सेक्शन में. तो जब तक वो आपको फॉलो बैक नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आप वीडियो कॉल नहीं कर पाएंगे. तो अगर आप स्पैम करने का किसी को सोच रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे. अपडेट नंबर 3 बहुत ही छोटा सा है. जब भी आप इंस्टा स्टोरी में जाते हैं, जब आप क्रिएट वाले ऑप्शन में जाते हैं, आपके पास में बैकग्राउंड्स होते हैं, तो उस बैकग्राउंड में एक नया कलर ऐड होने वाला है या ऑलरेडी हो गया होगा नए अपडेट के साथ में, क्योंकि मैंने जब ये चेक किया था मुझे तो नहीं दिख रहा था. आप एक बार चेक कर लीजिए, मेक श्योर कि आपको जो इंस्टाग्राम है वो अपडेटेड है. तो उसमें आपको एक नया बीच कलर देखने को मिलेगा जो कि इस तरीके से होगा. मतलब कुछ ऐसा कोई बड़ा अपडेट नहीं है, पर फिर भी इफ इन केस यू लाइक दिस कलर, इफ इन केस यू वांट टू ट्राई ऑन सम मोर कलर्स, दैट इज अ गुड ऑप्शन आई थिंक. पर मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि वैसे भी मैं जो अपना कलर वाला जो बार है उसको यूज करके अगर मुझे जो भी कलर यूज करना है वो मैं वैसे भी कर सकता हूँ. तो आई रियली डोंट गेट द पॉइंट अंटिल वो कुछ ना मतलब टेक्स्चर वाला या फिर कुछ ना कुछ ग्रेडियंट वाला या कुछ ना कुछ कलरफुल सा अगर डालते तो ज्यादा बेटर होता मेरे हिसाब से. बट एनीवेज, क्योंकि नया अपडेट है तो मैंने सोचा आपको बताना तो जरूर बनता है. और बाय द वे मैं एक बार और आपको रिमाइंड कर दूं, अगर वीडियो को लाइक नहीं कराया तो कर लीजिए, डिसलाइक कर देना अगर वीडियो पसंद नहीं आता है तो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना. टॉकिंग अबाउट द 4th one जो कि है COVID-19 कोरोना रिलेटेड. तो दिस पर्टिकुलर अपडेट इज एक्चुअली रिलेटेड टू जो बिजनेस अकाउंट्स है ना इंस्टाग्राम पे उन लोगों के लिए. तो मान लीजिए कि अगर आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड के फॉलोअर हैं और आप मान लीजिए उनको सपोर्ट करना चाहते हैं इस डिफिकल्ट टाइम में जहां पे उनका बिजनेस डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है, तो या तो आप गिफ्ट कार्ड खरीद सकते हैं या फिर आप उनको डोनेट कर सकते हैं पैसा थ्रू पेपाल या क्रेडिट कार्ड. तो आपके पास में इंस्टाग्राम में ये ऑप्शन आ गया है, बिजनेसेस चाहें तो उस चीज को एक्टिवेट कर सकते हैं एंड दे कैन एक्चुअली आस्क फॉर अ सपोर्ट फ्रॉम देयर फॉलोअर्स. अपडेट नंबर 5 जो कि है टेक्स्ट रिलेटेड, जो कि अगेन इंस्टा स्टोरी वाले ऑप्शन में आएगा. तो आपके पास में एक टेक्स्ट के लिए नया UI मोड आया है जहां पे आपके पास में बहुत ज्यादा ऑप्शन होंगे. तो नॉर्मली क्या होता था, आपके पास में कुछ ही ऑप्शन होते थे टेक्स्ट के लिए, अब आपके पास में एक नया इंटरफेस है
जहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी मिलेंगे और इट विल बी इजी फॉर यू टू स्क्रॉल थ्रू ऑल द थिंग्स, मतलब जितने भी टेक्स्ट वाले आपके पास में ऑप्शंस हैं तो आपके लिए काफी इजी रहेगा। अगर आप इंस्टा स्टोरी में अगली बार टेक्स्ट यूज करना चाहेंगे तो आप इस अमेजिंग से सिंपल से यूआई को यूज कर सकते हैं। अपडेट नंबर 6 है इंस्टाग्राम मैसेज रिलेटेड। अब यहाँ पे आपको पता था पहले आपके पास में प्राइमरी और जनरल ये टैब होते थे अगर आप मैसेज वाले सेक्शन में जाते थे तो। जनरल में अगर आप किसी भी कॉन्वर्सेशन को मूव करते थे तो आपके पास में उस कॉन्वर्सेशन के नोटिफिकेशन नहीं आते थे इवन वेन आपके नोटिफिकेशन ऑन होंगे। यहाँ पे आपके पास में तीसरा ऑप्शन आने वाला है जो कि है एक्टिव। तो एक्टिव क्या होगा, वो आपको रेगुलरली नोटिफिकेशन देगा। ये वो कॉन्वर्सेशन होंगी जिनके साथ में मान लीजिए आप रेगुलर कॉन्वर्सेशन रखना चाहेंगे या फिर मेक श्योर करना चाहेंगे कि जब भी आपको उनका मैसेज आता है आप इमीडिएटली चेक कर पाए। तो आप अपनी कॉन्वर्सेशन को एक्टिव कॉन्वर्सेशन में मूव कर सकते हैं एंड यू विल एक्चुअली बी गेटिंग नोटिफिकेशन इवन वेन अगर आपकी इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन बंद होगी तब भी। तो कहीं ना कहीं यूजफुल है क्योंकि कुछ सेलेक्टिव अकाउंट हर किसी के पास में ऐसे होते हैं जिनसे वो नोटिफिकेशन चाहते हैं बाकी से नहीं चाहते हैं। तो मेरे लिए तो ये डेफिनेटली बहुत यूजफुल होने वाला है। पर मैं एक बात आपको बता दूं, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, जब भी मुझे आप लोगों के मैसेजेस आते हैं आई ट्राई टू रिप्लाई टू मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पीपल एज आई कैन। तो अगर आपके पास में कुछ भी क्वेश्चन है कुछ भी है यू नो यू जस्ट हैव टू डीएम मी अखिल खत्री में एंड आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट नंबर 7 अपडेट इंस्टाग्राम का नया वाला जो कि है रिलेटेड टू इंस्टाग्राम फॉलोइंग। तो मान लीजिए जब भी आप अपने अकाउंट में फॉलोइंग में जाएंगे आपके पास में पहले एक ऑप्शन आता था डिस्कवर पीपल, जहां पे आप टैप करते थे तो आपको इंस्टाग्राम सजेस्ट करता था कि और कौन से प्रोस्पेक्टिव लोग हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो, जो कि रिलेटेड होता था डिपेंडिंग ऑन व्हाट एग्जैक्टली यू डू ऑन इंस्टाग्राम, मतलब जो चीजों से आप रिलेटेड अपने काम को स्क्रॉल करते थे या दूसरों के प्रोफाइल देखते थे उसी से रिलेटेड वो सजेशन होते थे। यहाँ पे आपके पास में नया एक और ऑप्शन आएगा जो कि होगा डिस्कवर अकाउंट्स। तो ये वो वाले अकाउंट्स नहीं होंगे जो एकदम नॉर्मल रैंडम से अकाउंट होंगे, ये वो अकाउंट होंगे जो काफी पॉपुलर है, मतलब मोस्टली मान लीजिए आप इंस्टाग्राम वाले सेलिब्रिटीज जो काफी पॉपुलर हैं वेरीफाइड हैं तो उन्हीं लोगों के जो नाम है वो डिस्कवर अकाउंट्स में आने वाले हैं। तो उन लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा जो सेलिब्रिटीज को रेगुलरली फॉलो करना चाहते हैं। तो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग वो आपको सेलिब्रिटीज को सजेस्ट करता रहेगा। यू कैन डिसाइड इफ इन केस यू वांट टू फॉलो दैट पर्सन और नॉट। छोटा सा अपडेट है बट डेफिनेटली वर्थ इट। तो ये है वो 7 न्यू इंस्टाग्राम अपडेट्स फॉर द ईयर 2020 फिलहाल के लिए एज ऑन 1st April 2020। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा बिफोर आई एंड दिस वीडियो कि जो मैंने पहला वाला आपको जो फीचर बताया था वो सिर्फ और सिर्फ आपको अप्रैल फूल बनाने के लिए था। आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट दैट। पर अगर आप लोग चाहते हैं कि उस तरीके का फीचर आए तो दैट विल बी लाइक रियली अमेजिंग। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलिएगा इफ इन केस यू लाइक दिस वीडियो एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट अपडेट जो मैंने आपको सिर्फ अप्रैल फूल बनाने के लिए बोला था। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड मेक देम फूल। अगर आप इसी चीज में कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो प्लीज मेक श्योर पैसे मत दो, वीडियो को शेयर कर दो। और लास्ट नॉट द लीस्ट अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलना। आई विल सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम एंड प्लीज टेक केयर। प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल एंड सेंसिबल इन दिस सिचुएशन ऑफ लॉकडाउन। लेट्स फाइट विद कोरोना टुगेदर। टेक केयर।